तो आज है ड्राइंग का 9वां दिन और आज हम सीखेंगे कि हम अपने शेडिंग में किस तरह के टोन्स को यूज़ करते हैं, किस तरह के वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, स्केल हमारा क्या होता है, उन सब चीज़ों को आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो आज हम समझेंगे इस ड्राइंग के थ्रू ग्रे स्केल को। ग्रे जैसे कि हमारा जो पेंसिल है वो ग्रे कलर का होता है, ग्रेफाइट जो होते हैं वो ग्रे होते हैं, तो इसलिए हम ग्रे स्केल को समझते हैं। आप जैसे देख रहे हो कि इस पोर्शन पर ज़्यादा डार्क है, फिर धीरे धीरे ये लाइट कम होते होते यहाँ पे टोटली लाइट इफेक्ट में ये कन्वर्ट हो गया। देन हम इस चीज़ को समझने के लिए पहले एक स्केल को तैयार करते हैं। अब चाहें तो अप डाउन भी कर सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से शेडिंग को डार्क टू लाइट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर इन चीज़ों को आप अगर समझ जाते हो देन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ड्राॅइंग को बनाना। तो हम स्टार्टिंग करेंगे डार्क से। सबसे पहले तो ये हमारा जो पोर्शन है हम इसको डार्क करेंगे। डार्क करने के लिए आपको पेंसिल को थोड़ा सा दबाव देना पड़ेगा। आप जितना दबाव दे के पेंसिल को बनाओगे ये उतना ज़्यादा डार्क होगा। अगर आप प्रेशर नहीं देते हो पेंसिल पे, फिर ये अपना डार्कनेस नहीं दिखाता है। तो इसको बस ध्यान से समझने की है ज़रूरत। आप जितने अच्छे से इसे ब्लेंड करोगे, एक तरह से नॉर्मली ब्लेंड हम पेंसिल से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हैचिंग, क्रॉस हैचिंग। तो हैचिंग तो हमारा है सिंगल शेडिंग, लेकिन क्रॉस हैचिंग जो है हमारा वो उसमें हम बहुत सारे हैचिंग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हैचिंग है हमारा वो तो एक सिंपल इफेक्ट देता है, जैसे 2B की अगर शेडिंग करनी हो, लाइट शेड करनी हो, तो यहाँ पे हैचिंग ज़रूरी है। लेकिन क्रॉस हैचिंग में हम उसे शेडिंग को डार्क कर सकते हैं। जैसे अगर आप जनरली अगर आप नेट को देखो, नेट आप सबने देखा होगा, तो नेट किस तरह से होते हैं, तो इसमें लाइन होते हैं, वर्टिकल लाइन एंड फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम इसके ऊपर फिर से एक नेट को रखेंगे तो फिर इसमें होगा वर्टिकल लाइन और फिर एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। समझने की चीज़ है ये, आपको शेडिंग अच्छे से समझ में आएगा। देन आप इसके ऊपर फिर एक नेट को अगर रखते हो तो फिर इसमें आ जाता है एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। तो ऐसे करते करते हम इसकी जो पीछे की विजिबिलिटी थी स्टार्टिंग में, जो इस तरह की विजिबिलिटी थी कि पहले हम अगर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम बना रहे हैं तो इसकी विजिबिलिटी है कि इसका बैकग्राउंड यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको शेड करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जा रही है, डार्कनेस इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो डार्कनेस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी शेडिंग जहाँ पे भी आप पिक्चर को बना रहे हो वो अगर डार्क हो रहा है तो वो पेंसिल को बार बार चलाने से हो रहा है। आप अगर पेंसिल को कम यूज़ करते हो, आप अगर पेंसिल को जनरली आप ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं चलाते हो पेंसिल को, वो आपकी लाइट वैल्यू को कंज्यूम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारा लाइट है, ये पोर्शन हमारा लाइट शेड है, लाइट शेड है, और यहाँ के जो ये वाले पोर्शन है ये हमारा लाइट इफेक्ट है, फिर कुछ लाइट इफेक्ट यहाँ पे है। तो इस तरह से हमने लाइट इफेक्ट को इसके थ्रू समझा। बट यहाँ पे इस पोर्शन की जब बात करें तो ये पोर्शन हमारा डार्क है, ये पोर्शन हमारा डार्क है। तो ये जो डार्क वाले पोर्शंस हैं, इन पोर्शंस को आपको समझने के लिए, डार्क वाले, मीडियम टोन, लाइट टोन, इन सब को समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ग्रे स्केल की, जो कि हम अभी बना रहे हैं। ग्रे स्केल अगर आप समझ जाते हो देन आपके लिए ड्राइंग्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, शेडिंग करना इजी हो जाता है, 3D में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। तो ये हमने 6 शेड में इसे कंप्लीट किया है। अब देख रहे हो जैसे डार्क टू लाइट, ये जो स्केल है हमारा ये डार्क टू लाइट है। आप चाहो तो इसे टिश्यू पेपर से मर्ज भी कर सकते हो, टिश्यू पेपर से ईज़िली आप इसको मर्ज करोगे, ब्लेंड करोगे। मैंने कल जो टेक्निक बताया था कि टिश्यू पेपर को फोल्ड कैसे करना है, जनरली आपको कोई सा भी ले लेना है टिश्यू पेपर, अब इसे फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद आपको फिर से फोल्ड करना है, फिर एक फोल्ड लगाना है। जब ये स्क्वायर शेप में बन जाए देन इसे क्या करना है कि इसे ट्रायंगल शेप में बना लेना है और इसके फ्रंट को मोड़ लेना है, और यहाँ से इसको हम प्रेशर दे के डार्क से धीरे 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 लाइट की तरफ एकदम हाथ को हल्का करते चले जाएंगे, हल्का हल्का करते हुए हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हो तो ये जो शेडिंग है हमारी, अगर हम इसे एक बार में दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह से है कि ये पहले डार्क हुआ है, पहले डार्क हुआ है और फिर धीरे 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 इसकी शेडिंग लाइट होती चली जा रही है। बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट को समझना, और अब जितने अच्छे से समझते हैं अब ये धीरे 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 लाइट हो गया। तो यही सेटिंग हमारे ड्राइंग्स में यूज़फुल होती है। अब आप इन चीज़ों को अगर अच्छे से समझ जाते हैं
देन आपके लिए शेडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये डे 8 भी था एंड डे 9 में हमने इसकी वैल्यू को समझा है कि हम किस तरह की शेडिंग को करते हैं। कल हमारी जो वीडियो थी ये एक ऑब्जेक्ट को बनाने की, एक ऑब्जेक्ट इन द सेंस की एक एप्पल को बनाने की वीडियो थी, थोड़ी सी लंबी हो गई थी वीडियो, लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो थी। बट कोई ना, अगर आप देखेंगे और उसे समझेंगे तो फिर आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि वीडियो 2 मिनट की हो और उसमें सीखने दो। आपको अगर सीखना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो वीडियो आपका बड़ा भी हो जाता है उसको भी आपको देखना होगा। तो अब वीडियो को पूरा देखें, समझें, और अगर आपको नहीं कुछ समझ आता है, कुछ भी ऐसे पार्ट है जो समझ नहीं आते हैं, देन आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।